हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज़ का कोई एग्ज़ाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम भूगोल के 50वां पाठ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि उन 50 पाठ हम वीडियो को बना चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। आप लोगों को बताना है कि इन दिए गए जनजातियों में से कौन सी जनजाति जो है केरल में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है चेंचू जनजाति जो है केरल राज्य में पाई जाती है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। चेंचू जनजाति केरल में, लेपचा जनजाति सिक्किम में, डाफर जनजाति गुजरात तथा डफला अरुणाचल प्रदेश व असम में पाई जाती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है, किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। यूपीपीएससी 2014 में पूछ चुका है, आप लोग देख लीजिए किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो इसका सही उत्तर है हरियाणा राज्य में जो है जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, जबकि महाराष्ट्र में वहां कुल जनसंख्या का 9.4%, छत्तीसगढ़ में 30% और कर्नाटक में 7% जनजातियां पाई जाती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, थारू जनजातियां पाई जाती है। थारू जनजाति पाई जाती है कहाँ से पाई जाती है, आप लोगों को बताना है थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है तराई प्रदेशों में जो है थारू जनजाति पाई जाती है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। थारू नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक जनजाति है। नेपाल की सकल जनसंख्या का लगभग 6.6% लोग थारू हैं। भारत में बिहार के चंपारण जिले और उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर में थारू पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र भारत, नेपाल एवं भूटान में स्थित हिमालय के आधार के दक्षिण स्थित क्षेत्रों को कहते हैं। यह क्षेत्र पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा जनजातीय समूह जो है मणिपुर में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है मणिपुर में जो है कुकी जनजाति पाया जाता है। कौन सा जनजाति, कुकी जनजाति पाया जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कुकी भारत और म्यांमार के बीच की सीमा को मिजो पहाड़ियों पर रहने वाले दक्षिण पूर्वी एशियाई लोगों है। ये बलिष्ठ एवं ठिगने होते हैं और नागा लोगों के अपेक्षा अधिक खूंखार समझे जाते हैं। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व लुसाई और कुकी लोगों में युद्ध हुआ, जिससे कुकी लोगों की हार हुई, वे अपना निवास छोड़कर काचार में आ बसे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। आप लोगों को बताना है कि अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है अहोम जो है असम राज्य से संबंधित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अहोम लोग असम भारत के वासिंदे हैं। वे ताई जाति के वंशज हैं, जो 1220 में अपने ताई राजकुमार चुकाफा के साथ ब्रह्मपुत्र घाटी आए और 6 सदियों तक इस क्षेत्र में आधिपत्य जमाया। चुकाफा और उनकी अनुयायियों ने असम के ओहोम वंश की स्थापना की। चुकाफा और उसके उत्तराधिकारियों ने ओहोम साम्राज्य के 6 शताब्दी तक चलाया और विस्तार किया। 1862 के प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिश लोगों ने ओहोम राजाओं के साथ यानडुबू संधि की और इस क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित किया। आधुनिक ओहोम लोग, उनकी संस्कृति मूलतः ताई संस्कृति, स्थानीय तिब्बत, बर्मी और हिंदू धर्म की एक समधर्मी मिश्रण है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजाति कौन सी है। आप लोगों को बताना है, नाच गाने वाली, गाकर अपनी जीवन मतलब जीविका कमाने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजाति कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है गर्सिया जो है दक्षिण राजस्थान की जनजाति है, जो नाच गाकर अपना जीवन चलाती है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। गर्सिया जनजाति के लोग मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में निवास करते हैं। ये मुख्यतः राजस्थान के पाली, सिरोही, उदयपुर क्षेत्रों में विस्थापित है। राजस्थान के भील सदियों पहले स्थानांतरित करके उत्तर गुजरात, अरावली, भिलोरा,
मेघराज साबरकांठा विजयनगर बनासकांठा में निवास कर रहे हैं, जो अभी आदिवासी डंगरी गरासिया के नाम से पहचाने जाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। आप लोगों को बताना है कि भील जनजाति जो है भारत में सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भील मध्य भारत की एक जनजाति है। भील जनजाति के लोग भील भाषा बोलते हैं। भील गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति है। अजमेर में ख्वाजा निजामुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के खादिम भील पूर्वज के वंशज है। भील त्रिपुरा और पाकिस्तान के सिंध थार पर जिले में बसे हुए हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो है नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है। आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है बगदा जनजाति जो है नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यहाँ की जनजातियों में टोडा, बगाडा और कोटा प्रमुख है। देख लीजिए कहीं पे भी जो है ये पश्चिमी को थोड़ा सा ये टाइपिंग करने में इरड़ आ गया है, इरड़ को क्षमा कीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वह थारू है। थारू जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनजाति है। थारू नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक जनजाति है। नेपाल की सकल जनसंख्या का लगभग 6.6% लोग थारू हैं। भारत में बिहार के चंपारण जिले और उत्तराखंड के नैनीताल और उद्धम सिंह नगर में थारू पाए जाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। आप लोगों को बताना है कि कौन सी जनजाति जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर, अभी हम लोगों ने बात किया था, थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, यह उत्तराखंड में भी पाया जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। थारू नेपाल भारत की सीमावर्ती तराई क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक जनजाति है। नेपाल की सकल जनसंख्या का लगभग 6.6% लोग थारू है। भारत में बिहार के चंपारण जिले और उत्तराखंड के नैनीताल और उद्धम सिंह नगर में थारू जनजाति पाए जाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नीसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। आप लोगों को बताना है नीसी जनजाति जो है कहाँ पे पाई जाती है। तो नीसी जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। नीसी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक जनजाति है। ये लोग अरुणाचल प्रदेश के 6 जिलों के निवासी है और इसे प्रदेश की जनसंख्या में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इसकी जनसंख्या 100,000 के लगभग है। ये लोग नीसी भाषा बोलते हैं, जो एक तिब्बती बर्मी भाषा है, किंतु उनकी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर मतभेद है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आप लोगों को बताना है दिए गए फूटों में से जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है आगामी नागालैंड, ये सही सुमेलित है। आगामी जनजाति जो है नागालैंड में है। उसके बाद बिरहोरी जनजाति झारखंड में है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में है। लेकिन खस जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। खस जनजाति पश्चिम बंगाल से संबंधित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। आप लोग मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो रहा है तो इसलिए हम बता रहे हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, सूची एक को सूची से दो से मिलान करना है। भील जो है, भील कहाँ पर होता है? भील मालवा प्रदेश में है। उसी तरह से थारू जनजाति जो है, थारू जनजाति ये तराई प्रदेश में है, तराई में है। उसी तरह से गोंड जनजाति जो है, गोंड जनजाति ये है बस्तर में। और टोडा जनजाति जो है नीलगिरी में है। टोडा जनजाति नीलगिरी में है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है। मतलब दिए गए लिखे हुए जो है जोड़ियों में से कौन सा जोड़ी सही है। देख लीजिए, ये है भुटिया उत्तराखंड, जो कि गलत है। उसके बाद मुंडा बिहार, ये भी गलत है। मुंडा झारखंड में है। कोल राजस्थान, ये भी गलत है। थारू उत्तराखंड, ये सही है, क्योंकि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। थारू नेपाल की भारत सीमावर्ती तराई क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक जनजाति है। नेपाल की सकल जनसंख्या का लगभग 6.6% लोग थारू है। भारत
में बिहार के चंपारण जिले और उत्तराखंड के नैनीताल और उद्धम सिंह नगर में थाइडू जनजाति पाए जाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें नया चैनल होने की वजह से आप लोग सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए, आप लोग इसका मिलान कर लीजिएगा। हम बता रहे हैं बिरोहर जो है, बिरोहर झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। उसके बाद भुटिया जनजाति जो है, भुटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाने वाली है। उसके बाद टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में पाई जाने वाली है। और सेंटिनेली जनजाति जो है अंडमान द्वीप समूह में पाई जाने वाली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, आप लोग देख लीजिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर यूपीपीएससी और यूपीएससी में पूछे जाते हैं। चलिए हमारा आज का वीडियो क्लासेस यहीं तक था। हमारा वीडियो कैसा लगे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।